हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्रिज कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। इससे पहले इस महीने के 2 या 3 तारीख को हमने आपको लिंक के ज़रिए आपके डाउट्स सेंड करने के लिए कहा था। उन डाउट्स की बिना पर हमने ये वीडियो बनाया है। जो जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रिज कोर्स की इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ ब्रिज कोर्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। ये एक 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है। बीएड स्टूडेंट या टीचर्स को 1st to 5th के स्टूडेंट्स को टीचिंग में हेल्प करने के लिए बनाया गया है। डीएड पास स्टूडेंट को ये कोर्स करना ज़रूरी है। हु कैन अप्लाई? ओनली बीएड होल्डर, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी कि सिर्फ वही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बीएड है और प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इस कोर्स की फ़ीस 5,000 रुपीज़ है और अगर आप इग्नो से करते हैं, इग्नो यूनिवर्सिटी से, तो वहां से पर इसकी 4,000 रुपीज़ फ़ीस है। इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट से है NIOS की और इग्नो की, हमने यहाँ पर दे दिया है। आप इसको देख कर और इस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक हमने दी हुई है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसकी और डिटेल्स जो है तो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह आप ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ज़रिए जो ये ब्रिज कोर्स होता है उसकी हम आपको अभी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो कोर्स है इसका नाम है NIOS में सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर, जिसे शॉर्ट में PDPET कहते हैं। ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द टीचर शुड बी एन इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर, यानी कि सबसे पहले जो है आपके लिए ज़रूरी है इस कोर्स करने के लिए कि आप इन सर्विस हो, ऑन जॉब हो, 1st to 5th के लिए आप पढ़ा रहे हो, आपका वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुका हो। द टीचर शुड बी ग्रेजुएट विथ बीएड फ्रॉम NCTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, और आप बीएड हो, आपने NCTE के से अप्रूव्ड किसी कॉलेज से बीएड किया हुआ हो। द टीचर शुड बी टीचिंग एट प्राइमरी लेवल क्लास 1st to 5th, और टीचर क्लास 1st to 5th पर जो है तो आप पढ़ा रहे हों। द टीचर शुड बी टीचिंग इन स्कूल एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2N ऑफ द RTE एक्ट 2009, रिकॉर्डेड एज पर RTE एक्ट 2009, और आप जो है तो RTE एक्ट 2009 के मुताबिक जो है तो स्कूल में टीचिंग कर रहे हों। इसी के साथ देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। NIOS के जो पोर्टल है DLEDBR.NIOS.AC.IN इस वेबसाइट पर। इस कोर्स की फ़ीस 5,000 रुपीज़ है, ड्यूरेशन 6 मंथ का है। और एक ख़ास बात है, इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपका HSC यानी 12th का परसेंटेज देखा जाता है, जो मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। कास्ट और कैटेगरी के लिए इसमें 5% की जो है तो छूट दी गई है। और ये कोर्स का जो मीडियम है इंग्लिश और हिंदी है, 2 मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, आप जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसका यहाँ देखिए, आपको ग्रैंड और मार्किंग सिस्टम इस पोस्ट में आपको नज़र आ, इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। साथ ही इसमें आपको इसका सिलेबस भी समझ में आ जाएगा। इसमें 3 घंटे का आपका जो पेपर होता है, 75 मार्क का पेपर होता है जो थ्योरी, वो 3 घंटे का होता है। 25 मार्क के असाइनमेंट है, 75 नंबर में से आपको 30 नंबर लेना है थ्योरी में, 25 नंबर में से 10 नंबर लेना है असाइनमेंट में, और जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है उसमें 50% मार्क्स लेना है, यानी 100 में से 50, 100 में से 50 और 200 में से 100। प्रैक्टिस लेसन वगैरह सब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल डिटेल्स आपको दी गई है। और साथ ही एक सवाल था कि एडमिशन कब स्टार्ट होगे। ये एडमिशन जो है तो 2019 में हुए थे, लेकिन उसके बाद से अभी नहीं हुए हैं। 2018 में एडमिशन हुए थे और उसके बाद एडमिशन नहीं हुए, और जो इन सर्विस टीचर है वही कर सकते हैं। इसलिए अभी आप अगर इन सर्विस नहीं है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह करना है। और गवर्नमेंट भी अगर जब आपको अप्लाई करेंगी 1st to 5th के लिए बीएड स्टूडेंट को करेगी, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ काम रहेगा कि वो NIOS से जो है तो रिक्वेस्ट करे कि जल्द से जल्द ये ऑर्गेनाइज करे एग्ज़ाम कोर्स का जो है तो। और लॉकडाउन की वजह से इसमें देरी भी हो रही है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब भर्ती होगी 1st to 8th की, जो अभी भर्ती रुकी हुई है फ़िलहाल ब्रिज कोर्स के ही केस की वजह से ही रुकी हुई है, ये भर्ती जब ब्रिज कोर्स का जो केस का डिसीज़न आ जाएगा उसके बाद भर्ती कंप्लीट होगी,
और उसी के बाद ही जो तो जब आपका अपॉइंटमेंट बीएड होने के बावजूद ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अपॉइंटमेंट हो जाएंगे उनको ये कोर्स करना होगा। हाँ, दूसरी एक बात कि जो स्टूडेंट बीएड प्लस डीएड भी है उन्हें ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये बीएड सिर्फ इसलिए है कि उनको प्राइमरी लेवल का पढ़ाना आ जाए, प्राइमरी क्लास को किस तरह पढ़ाना है ये उस तरह का नॉलेज देने के लिए उनको ये कोर्स रखा गया है। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का हौसला मिले और मैं आपके और डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी इसकी वीडियो के बाद भी आपके अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप बताइए, ज़रूर हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।